कोई भी कैलकुलेशन है उसको हम कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते थे छोटे पे, जब NCKG में होते थे, फर्स्ट सेकंड में आते थे, तो हमें जो जनरल मेथड होते थे वो बताए जाते थे, और वही हम आज तक सीखते आ रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब हम कंपटीशन को फेस करने जाते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी पड़ती है और फिर हम कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अगर ये हमारा क्या होता है, ये मैथमेटिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि ईजीएस्ट वे में हम कैसे सॉल्व करें। तो आइए सॉल्व करते हैं, ईजीएस्ट वे में सीखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इन बेसिक आपको मालूम है कि अगर मैं सबसे पहले मैं सीखू हम सीखेंगे मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है बेस होते हैं। अब हम बेस किसको बना सकते हैं, देखो बेस जो होता है इसमें 100 को बना सकते हैं हम बेस, ठीक। बेस जो होता है वो हम किसे किसे बना सकते हैं, 100 को बना सकते हैं बेस, 200 को बेस बना सकते हैं, 500 को बेस बना सकते हैं, और किसे बना सकते हैं हम 1000 को बेस बना सकते हैं, ठीक। इसका 50 भी बेस होता है, तो ये सब बेस होते हैं इसमें। अब क्या करना होता है, जैसे मान लो मैं सबसे पहले नियर बाई 100 का करता हूँ, नियर बाई 100। अगर कोई दो नंबर जो है मल्टीप्लाई में है और वो नियर अबाउट 100 है, तब हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देखिए मैंने लिया 97 × 98, तो ये नंबर क्या 100 के नियर अबाउट है ना दोनों नंबर, तो ये 100 में से कितना कम है ये देखना है हमने। तो ये कितना कम है, माइनस का 3 कम है। ये वाला नंबर कितना कम है, माइनस का 2 कम है, ठीक। अब इन दोनों नंबर का क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करना है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा 6। लेकिन इस 6 को आपने सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, इसे डबल डिजिट में लिखना है, क्योंकि डबल डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ 3 × 2 = 6 होगा, यानी कि 06, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये लेफ्ट टू लेफ्ट ले लीजिए आप, या तो आप राइट से लेफ्ट चलिए या फिर लेफ्ट से राइट चलिए। तो मैं क्या करूँगा, राइट से लेफ्ट चलूंगा। तो यहाँ देखिए 98 है, यहाँ लिखा -3, तो ये कितना रह जाएगा, ये 93 में से -3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 95 बचेगा। तो मेरा आंसर आएगा 9506। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाया, अब देखो विद इन सेकेंड में कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 94 × 96 है, अब देखिए ये कितना कम है, 4 कम है, ये 6 कम है, 6×4 = 24 होता है, और ये हो जाएगा 90। तो इसका आंसर आ गया 9024। कितना सरल है और कितना इजी है। तो ये होती है वैदिक मैथ, इसको बोलते हैं वैदिक मैथ, जो आपका चुटकियों में आंसर ला दे। अब इसकी एक और ट्रिक है, यहाँ क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब नंबर, देखो इसमें कंडीशन होती है, देखो दूसरी ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक नंबर वन थी हमारे पास ये, अब ट्रिक नंबर टू देख लीजिए आप, ट्रिक सेकंड क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए मेरे पास 94 और 96 है, ठीक। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सेकंड ट्रिक ये बोलती है कि अगर यहाँ देखो ये 9 है, फर्स्ट जो 10th प्लेस का डिजिट है, यहाँ देखो ये 10th प्लेस क्या होता है, फर्स्ट प्लेस क्या होता है, मेरे पास में ये नंबर लिखा हुआ है 96, तो ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, ये सबको पता होगा, और ये हमारा प्लेस कौन सा होता है, 10th प्लेस होता है, ये 10th प्लेस और ये यूनिट प्लेस होता है। अब ये 10th प्लेस पे जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए, जब ये नंबर सेम होगा तब इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 24 आएगा। अब ये जो 9 है ना, इसका 1 ऐड करके आप लिख दो 10, तो 9 का 10 किया 90, देखिए 9024 आया हमारे पास, और यहाँ भी कितना आया था 9024। तो इस तरह से आप इजीएस्ट वे में आप दोनों मेथड है जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हैं। अब इसका देखो एक मेथड और होता है, थर्ड मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है। यहाँ जैसे हमें करना है 94 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 96 में। तो मैट्रिक्स मेथड ये कहता है कि जितने आपके नंबर है उतने रोज और उतने कॉलम बना लीजिए, बना लिए आपने। अब क्या करना है इसमें, देखो इसको आपने इस तरह से डिवाइड करना है, ये आप पहले कॉलम बना लीजिए। अब इसको क्या करना है, जैसे पहले बीच वाला जो आपका बॉक्स है उसको क्रॉस कीजिए, फिर इन दोनों से बीच में से क्रॉस कीजिए,
फिर ये लास्ट वाला क्रॉस कीजिए। अब ये 99 का कितना होता है 81, 81 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब 96 का कितना होता है 54, 54 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब 49 का कितना होता है 36, तो 36 ऐसे लिख दिया जाएगा। और ये 46 का कितना होता है 24, तो 24 ऐसे लिख दिया जाएगा। अब आपको सीधा सीधा ये तिरछे तिरछे ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 और 2 6, 6 6 12 1 कैरी। अब ये 5 और 3 कितना 8 1 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये सॉरी 5 और 1 6 3 9 और 1 10, 10 का 0, 0 यहाँ आ जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास कैरी 1 8 और 1 9, 9 0 2 4। इससे भी मैट्रिक्स मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड हो गए, आपको जो इजीएस्ट लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा होगा ये मैट्रिक्स मेथड आपको समझ में नहीं आया है, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर छोटा छोटा हो गया ना, इसलिए समझ में नहीं आया, तो मैं कोई और नंबर लेके इसको समझाता हूँ। तीनों मेथड से हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट मेथड ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 93 × 97। 100 से कितना कम 3 कम, 100 से कितना कम 7, मल्टीप्लाई कीजिए 21 आया ठीक है। अब क्या करना है हमें कॉर्नर कॉर्नर ठीक, ये 97 90 आ गया 9021, हमारा आंसर आया 9021। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या कहता है आपको क्या करना है, ये सेम है ना 10th प्लेस, तो 7 3 21 और 9 का 1 पे ऐड कर दो 10, तो 90 सीधा डायरेक्ट लिखोगे, देख के लिख सकते हो आप, देख के बिल्कुल देख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये। और ये ध्यान रखना ये बेस 100 होता है, इसकी कंडीशन है, हर किसी पे अप्लाई नहीं होगा। उसका भी एक मेथड बता दूंगा मैं, मेरे पास मेथड हो कमी नहीं है, मेथड बहुत है। यहाँ 9021 हो जाएगा। अब थर्ड मेथड क्या होगा हमारे पास में, थर्ड मेथड हमारे पास मैट्रिक्स 9 3 9 7 ठीक, थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे 9 3 और 9 और 7 ठीक, ये मैट्रिक्स बना लीजिए। रोज और कॉलम्स में मैट्रिक्स होती है, हमेशा ध्यान रखिए मैट्रिक्स किस में होती है, रोज और कॉलम्स। और इस कॉलम ये वाली रो हो गई, ये कॉलम हो गया, इससे मतलब नहीं होता है। हमने क्या करना है बीच पहले वाले कॉलम को बीच में से काट देना है, दूसरे वाले को इस तरह से काटना है, तीसरे वाले को फिर ऐसे काटना है ठीक। अब ये 99 81 लिख दिया, 97 जा कितना होता है 63 लिख दिया। अब 39 जा 27 हो गया। अब 37 जा 21। अब देखिए 1 आ गया। अब 32 5 और 7 कितना होगा 5 और 7 12 कैरी 1। अब यहाँ देखिए 6 7 2 9 1 10 0 कैरी 1। अब यहाँ 8 है और ये कितना होगा 9021। ये देखिए 9021 यहाँ आ गया। अब मेरे पास में ये भी देखो एक मेथड था, मैंने ये कराया था, और एक मेथड ये हो गया, तो तीन मेथड हमारे पास हो गए। अब इसके बाद मैं आपको एक जो बेसिक कंसेप्ट है वैदिक मैथ का वो बताऊंगा आपको, मैं वैदिक मैथ का बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है। देखिए भाई अब जो हमारा बेसिक मेथड है वो हम आपको बताते हैं, बेसिक मेथड क्या होता है। बेसिक मेथड हमारा होता है जैसे मान लीजिए अभी मैंने किया 97 और मल्टीप्लाई 93, तो जब दो डिजिट की मल्टीप्लाई करनी होती है तो मैं अगर इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मैं क्या करता हूँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहले आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ठीक है इस तरह से, और इन दोनों का क्रॉस करके मल्टीप्लाई इसको क्या करना है सम करना है, एडिशन करना है। अब फिर क्या करना है इसकी कॉर्नर वाले की मल्टीप्लाई इस तरह से। तो पहले 7 3 जो कितना होगा 21 का हम यहाँ पर देखो ये पूरा है तो इसका 1 कैरी लिख देंगे, 2 कैरी आ जाएगा। अब क्या करना है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, देखो क्रॉस सिंबल है ना 7 9 जा कितना होता है 63 और ये हमारे पास में 9 3 जा 27। अब इसको ऐड अप करेंगे हम और 2 कैरी है, 2 3 5 और 7 कितना होता है 7 3 10 2 12 और 1 कैरी 7 2 9 92 आया, 2 लिखेंगे और कितना जाएगा कैरी 9 कैरी जाएगा। अब क्या करेंगे 99 जा, तो 99 जा 81 और 9 कितना होता है 90, तो ये हो जाएगा 9021। देखिए ये 9021 आ गया। तो इतना इजी होता है कैलकुलेशन को आसान बनाने का, आपको लग रहा होगा इसमें टाइम लग रहा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है,
नहीं तो आप देख के ही बता सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही आपने देखा 9 9 10 प्लेस पे सेम है, तुरंत मल्टीप्लाई कीजिए 21, 7 3 21 और 9 में एक जोड़िए 10 हो गया, 9 10 90, 9 0 2 1। डायरेक्ट देख के बिना पेन के आप आंसर बता सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करके बता दिया।